हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित सीनियर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जो भी बच्चे बीबीएससी के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, यानी कि बीबीएससी करना चाहते हैं, वेटनरी का कोर्स करना चाहते हैं गढ़वासू के अंदर, तो गढ़वासू की तरफ से जो है वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो ऑलरेडी आउट कर दिए गए हैं। पहले भी इन्होंने अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म बच्चों आउट किए थे, लेकिन जैसे कि आपको पता है नीट के ऊपर फिर केस लग गया, सुप्रीम कोर्ट में गया, उसके बाद डेट्स पे डेट्स आ रही थी, तो इन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन फॉर्म को जो है वो बीच में रोक दिया था। तो उस टाइम पे कुछ बच्चे जो है वो फॉर्म को फिल कर पाए थे, कुछ बच्चे जो फॉर्म को फिल नहीं कर पाए थे। तो अब गढ़वासियों ने दोबारा से अपने फॉर्म को क्या किया है, रीओपन किया है, और जो पुराने बच्चे थे उनको कुछ चेंजेस करने के लिए बोला है, और जो नए बच्चे जिन जो उस टाइम पे फॉर्म फिल नहीं कर पाए थे वो दोबारा से अपने जाके फॉर्म को फिल जो है कर सकते हैं, अगर आप बीबीएससी करना चाहते हो तो। ठीक है, तो क्या क्या नई नोटिफिकेशन आई है, क्या फीस रहने वाली है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। लेकिन एक चीज का खास करके ध्यान रखना, जो तो बच्चे ऑलरेडी फॉर्म फिल कर चुके हैं तो उनके लिए करेक्शन विंडो ओपन हुई है, जिन बच्चों ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो उनको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने का मौका जो है वो दिया गया है, लेकिन बिल्कुल ही कम टाइम दिया गया है, सिर्फ 1 वीक का टाइम आपके पास है। तो फटाफट जिन बच्चों को आप जानते हो आसपास, जो बच्चे बीबीएससी करना चाहते हैं, वेटनरी के कोर्स के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को फटाफट उन तक जो है वो पहुंचा देना। अब क्या क्या चेंजेस करने हैं, करेक्शन विंडो किसके लिए ओपन हुई है, नई रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, सब कुछ मैं आपको फटाफट जो है वो बता देता। बच्चे यहाँ पे आप देख सकते हैं गढ़वासू की तरफ से क्या नया नोटिफिकेशन आया है 2024 और 2025 वाले बैच के लिए, जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं बीबीएससी वेटनरी कोर्स के अंदर। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया, जो तो बच्चे पहले ही अपना ऑलरेडी फॉर्म फिल कर चुके हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं एज पर द ऑर्डर ऑफ द होनेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी कि जैसे कि होनेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस आया था कि हमारा जो रिजल्ट है वो रिपब्लिश किया जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो एनटीए की तरफ से नया रिजल्ट जो वो रिपब्लिश किया गया था 26 तारीख को, अकॉर्डिंग टू द, तो बहुत सारे बच्चों के रैंक्स चेंज हुए हैं, बहुत सारे बच्चों का मार्क्स चेंज हुए हैं, ऐसे बच्चों को अपने रैंक्स और मार्क्स को दोबारा से अपलोड करना है, उनकी करेक्शन विंडो जो ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो देयरफॉर करेक्शन विंडो एनेबलिंग की गई कैंडिडेट्स के लिए कि अपडेट देयर रिवाइज रिजल्ट। तो आपके पास जो भी नया रिजल्ट आया है तो आपने उसको क्या करना है, रिवाइज दोबारा से अपडेट करके रीअपलोड जो वो कर देना है। और कब तक आप कर सकते हैं, तो यहाँ पे डेट को मेंशन कर दिया गया, 13 तारीख आपकी लास्ट डेट है, 11:59 PM तक आप जो अपने डेट को, जो आप अपने रिजल्ट को जो है वो अपडेट कर सकते हो। ठीक है, 13 तारीख से पहले पहले आपको अपडेट जो है वो कर देना है नया रिजल्ट। उसके बाद ऐसे कैंडिडेट हु हैव सक्सेसफुली अप्लाइड देयर ऑलरेडी फी, जो अगर आपने अपनी फी पेमेंट कर दी थी तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपका कुछ भी नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही आप लॉग इन करोगे तो लॉग इन करने के बाद अगर वो बोलता है आपसे कुछ फीस मांगता है तो वो फीस आपको जो है वो पे करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर नहीं मांगेगा तो ठीक है, अगर मांगेगा तो वो फीस जो है वो आपको देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये चीज को मेंशन किया गया है बीबीएससी के लिए, अकेडमी सेक्शन 2024-25 री लॉग इन करके आप यहाँ पे देख सकते हो अपना ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पर यूजिंग देयर एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पासवर्ड। आपके पास रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पासवर्ड होगा, उसी से आपको लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद आपके पास जो भी करेक्शन विंडो में चेंज करना है वो आप कर लो के, ठीक है, उसके बाद सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद अगर आपकी कोई फीस मांगता है तो आपको वो फीस जो है वो पेमेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद नीचे सबमिट क्या करना है, अपडेट देयर रिवाइज कैंडिडेट। ठीक है, अपने रैंक्स मार्क्स स्कोर कार्ड को आपने क्या कर देना, अपडेट कर देना है दोबारा से नए वाले। उसके बाद इन केस, यहाँ पे एक मेजर गाइडलाइन लिखी गई है, इन केस ए कैंडिडेट डज नॉट सबमिट अपडेट हिज करेक्ट रिवाइज रैंक, अगर आपका कोई भी कैंडिडेट ऐसा है जो अपने सबमिट नहीं करता है, अपडेट नहीं करता है अपने न्यू मार्क्स को, न्यू स्कोर कार्ड को, न्यू रैंक को, तो ऐसे बच्चों की जो है क्या कर दिया जाएगा, उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा फॉर द एडमिशन। तो मार्क्स एंड स्कोर कार्ड ऑन द पोर्टल बाय द स्टिपुलेटेड डेट एंड टाइम, अगर डेट एंड टाइम से पहले आप इस चीज को अपडेट नहीं करते हो, हिज हर कैंडिडेचर फॉर द एडमिशन बीबीएससी एंड एचआर प्रोग्राम विल बी नॉट कंसीडर, तो उसकी बच्चे की एडमिशन को जो है वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो बहुत अच्छी चीज है, तो जो भी बच्चों का रैंक वगैरह चेंज हुआ है, जिन बच्चों ने भी पहले लॉग इन वगैरह किया हुआ था, रजिस्टर किया हुआ था, तो ऐसे बच्चे जरूर फटाफट जाके जो है अपना स्कोर कार्ड को क्या कर दे, दोबारा से अपलोड कर दे, चेंज कर दे। उसके बाद यहाँ पे कुछ फर्दर डिटेल्स लिखी गई है, जो बच्चे फ्रेश काउंसलिंग फ्रेश अप्लाई करना चाहते हैं, जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया, तो ऐसे बच्चे के लिए भी यहाँ पे लिखा गया है एडमिशन जो आपको करनी है, तो विदाउट लेट फीस आपको 6,000 रुपया जो है न्यू एप्लीकेंट्स के लिए है, 6,000 रुपया फीस आपकी लगेगी। कब तक लगेगी, 6 तारीख आपकी जो है वो लास्ट डेट। ठीक है बच्चों, 6 तारीख जो है वो आपकी लास्ट डेट है, और अगर आप लेट फीस देते हो तो 1,700 रुपये आपका एक्स्ट्रा, 1,700 आपका लेट फीस लगेगी, 7,700 रुपीज लगेगा न्यू एप्लीकेंट्स के लिए, अगर आप 6 तारीख के बाद करवाओगे, यानी कि 13 तक आपको फिर मौका मिल जाएगा अगर आप लेट फीस के साथ जो है वो अपनी पेमेंट जो है वो सबमिट करवाओगे। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप फटाफट इस वीडियो को शेयर करें कि अपनी 6 तारीख से पहले पहले ही अपना सारा काम जो है प्रोसीजर कंप्लीट कर ले। अगर फिर भी नहीं कर पाते हो किसी कंडीशन के अंदर, तो आपको 13 तारीख का जो लास्ट टाइम दिया जाएगा, लेकिन उसमें आपका जो फाइन लगेगा 1,700 रुपीज का, तब जो आपको 1,700 रुपीज जब वो पे करने हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पे कुछ नोट भी लिखा हुआ, ये सिर्फ एसपी और एएफ के लिए, एसपी यानी कि स्पोर्ट्स पर्सन के लिए यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो इनको एक जो है एन एक्स्ट्रा लगाना ए वाला,
यूनिवर्सिटी प्रोस्पेक्ट के अंदर, और दूसरा है एएफ क्या होता है, आर्म्ड फोर्सेस कैटेगरी के लिए, ये आपके लिए नहीं है। जो भी बच्चे स्पोर्ट्स पर्सन है या फिर किसी आर्म्ड फोर्स कैटेगरी से हैं, ये उनके लिए, उनको नेक्स्ट 4A और बी लगा के एज पर द यूनिवर्सिटी प्रोस्पेक्ट उसको 13 तारीख को जो है अप टू 11:59 PM तक उनको जो है सबमिट करना है, ठीक है। स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट अलॉन्ग देयर कॉपी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 16/8/2024 बिटवीन 9 से 4 बजे के बीच बीच में आपको जो है सबमिट करना है। कहाँ करना है, यहाँ पे भी ये लिखा है, फॉर स्पोर्ट्समैन दीज डॉक्यूमेंट शुड बी सबमिट टू द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर कम स्टेट ऑफिसर। इस ऑफिस में जाके आपको जो अपना स्पोर्ट्समैन के लिए, तो इस ऑफिस में जाके आपको जो डॉक्यूमेंट अपना सबमिट करना है, और जो बच्चे आर्म्ड फोर्सेज कैटेगरी के लिए हैं उनको जो डॉक्यूमेंट शुड बी सबमिट टू द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रर, तो आपको रजिस्ट्रर के ऑफिस में जो है वो सबमिट करना है। अगर आप ये अपने डॉक्यूमेंट्स दोनों सबमिट नहीं कर पाते हो, स्पोर्ट्समैन वाले और आर्म्ड ऑफिसर्स वाले, तो यहाँ पे लिखा है फेलियर टू डू विल रिजल्ट इन द कैंसिलेशन देयर क्लेम फॉर द एडमिशन अंडर द दिस कैटेगरी। तो इस केस में आपको अपनी कैटेगरी का जो बेनिफिट नहीं मिलेगा, यानी कि जो भी कोटा होता है स्पोर्ट्समैन का, आर्म्ड फोर्सेस का, वो आपको फिर नहीं मिलेगा अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स को सबमिट नहीं करवाते हो। तो मैंने आपको जो पुराने बच्चे एडमिशन कर चुके हैं, रजिस्टर कर चुके हैं, उनको बारे में भी बता दिया कि उनको दोबारा से रिवाइज जो रिजल्ट आया उसको अपडेट करना है, और जो बच्चे न्यू एप्लीकेंट है उनको ये वाला प्रोसीजर जो है फटाफट कंप्लीट कर लेना, कब से कब तक लास्ट डेट है ये मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दी। बच्चों आई होप आपको ये सारा का सारा प्रोसीजर अच्छे से समझ लग गया होगा। इसी तरह का सारा प्रोसीजर जानने के लिए किसी और भी यूनिवर्सिटी का आता है, कोई सेंट्रल का आता है, ईच एंड एवरीथिंग अपडेट आपका भाई आप तक पहुंचाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पर ही आपको सब कुछ पता चलेगा कि कट ऑफ कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी। वहां पे मैं सारी पीडीएफ जो भेजता रहता हूं, नए नोटिस वहीं पे जाते रहते हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, ताकि आने वाली सारी की सारी अपडेट्स आपका भाई आप तक इजीली जो है वो पहुंचा सके।